सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 18 का धमाकेदार आगाज हो गया है। सलमान खान ने आज सभी कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन कराया है। खतरों के खिलाड़ी के विजेता करण मेहरा ने भी शो में एंट्री ली है। अनिरुद्ध चारिया भी शो के आगाज पर मौजूद रहे और सलमान खान के साथ कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं। दशहरा उत्सव के दौरान बड़े पर्दे पर साउथ से लेकर बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की वेटियन से आलिया भट्ट की जिगरा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार है। बॉलीवुड के महान सिंगर किशोर कुमार की डेथ एनिवर्सरी पर मध्य प्रदेश सरकार हर साल सम्मान समारोह आयोजित करती है। इस साल मध्य प्रदेश सरकार प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करेगी। ये पुरस्कार समारोह 13 अक्टूबर को किशोरदा के गृहनगर खंडवा में होगा। बिग बॉस 18 में अनिरुद्धाचारी महाराज कंटेस्टेंट्स को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। शो में जाते ही उन्होंने सलमान खान की शादी को लेकर सवाल कर दिया। अनिरुद्धाचारी महाराज ने एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए सलमान के लिए भी लड़की ढूंढने की बात कह डाली। ये सुनकर सलमान खान ने कहा, नहीं नहीं। फिर अनिरुद्धाचारी महाराज बोले, हम जो लाएंगे वो भागेंगी नहीं। फिर सलमान बोले, हमें भगोड़ी चाहिए। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन चर्चा में है। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। फिल्म के ट्रेलर को लेकर फैंस एक्साइटेड है। सिंघम सीरीज की तीसरी फिल्म है, जो कि इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले हैं। वहीं करीना कपूर फीमेल लीड का रोल प्ले कर रही हैं।